अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नाज और आप जो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटिल व्लॉग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कल के मैच में वो कुछ फाइटिंग सीन हुआ है, कल के मैच में ऐसा क्या हुआ कि जो भी उधर बैठे तमाशाई भी परेशान हो गए थे कि ऐसी लड़ाई क्यों पेश आई। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको यही से बताऊंगा, लेकिन वो जानने से पहले आप सबसे दोबारा मैं आप सबसे कहता चलूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट के तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्दी से मैं आप सबका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, जल्दी से मैं आप सबको बता देता हूँ कल के मैच में ऐसा क्या हुआ। कल आप सबको बताया था कि इमाद वसीम को इहसान उल्लाह ने बहुत ही खतरनाक किस्म के बॉल्स दिए थे, लेकिन इमाद वसीम ने उन बॉल्स को फेस किया और एक छक्का भी लगा दिया था इहसान उल्लाह को। तो इमाद वसीम को ये नहीं मुझे समझ आया कि किस बात पे इमाद वसीम को गुस्सा आया कि उसके बाउंसर देने से, या फिर जो अच्छा मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है ना इहसानुल्लाह बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था इमाद वसीम को बॉल करवाते हुए। तो यही हुआ कि इमाद वसीम को गुस्सा आया। तो बाद में जब मुल्तान की इनिंग्स आई तो जब मुल्तान की इनिंग्स आई फिर इमाद वसीम को गुस्सा आ गया। तो इमाद वसीम ने आकिब जावेद को ओवर दिया और कहा कि सिर्फ बाउंसर देना, क्योंकि तब था इहसानुल्लाह क्रीज पर, तो उसने भी बाउंसर ही दिया और इहसानुल्लाह से बाउंसर नहीं खेला गया। तो आपके ख्याल में इमाद वसीम ने ये सही किया या फिर गलत, ये आप सबसे गुजारिश है कि चैनल ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि इमाद वसीम को क्या ऐसा करना चाहिए था। अगर मेरी राय लें तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक इमाद वसीम ने उसके बाउंसर फेस किए जबकि वो जानता था कि अगर इहसानुल्लाह को कोई अच्छा बॉलर बाउंसर देगा तो वो नहीं फेस कर पाएगा। तो आई थिंक उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।